जब शाहरुख खान ने बिताई एक हीरोइन के साथ होटल में रात और फिर उसे जाना पड़ा था जेल। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आप इस इंसिडेंट को जानना चाहते हैं कि सच है या झूठ, आप गूगल में जाकर इसको सर्च करके जान सकते हैं। ये घटना है 1992 की, जब शाहरुख खान हाल ही में स्टार बने थे और तभी उनके पास एक फिल्म की ऑफर आई, माया मेमसाब। ये फिल्म माया मेमसाब एक बहुत ही बोल्ड किस्म की फिल्म थी और ये फिल्म का डायरेक्टर थे केतन मेहता और फिल्म की हीरोइन थी दीपा शाही। इस फिल्म ने दीपा शाही और शाहरुख खान के ऊपर एक इंटीमेट सीन को क्रिएट किया गया था और ये सीन इस फिल्म के लिए काफी प्रभावित रही और इसमें काफी सुर्खियां भी बटोरी थी उस समय। तो इस फिल्म के रिलीज के बाद एक मैगजीन में खबर आई कि इस फिल्म के डायरेक्टर केतन मेहता शाहरुख खान और दीपा शाही को होटल में एक रात के लिए रुकने को कहा था ताकि उन दोनों में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो सके और अगले ही दिन इसका शूटिंग होने वाला था ताकि वो दोनों अच्छी तरह इस शॉट को दे सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हेजिटेट ना करे दोनों। तो ये खबर जब उस मैगजीन में छपी और शाहरुख खान के नजरों में आई तब शाहरुख खान बहुत ही गुस्से में हो गए और वो ढूंढने लगे थे कि ये मैगजीन में ये जो आर्टिकल है ये किस रिपोर्टर ने लिखा था। लेकिन इस तरह की जो आर्टिकल होते हैं वो गुमनाम होते हैं, यानी किसने लिखा, कौन लिखा, ये कुछ नहीं होता, बस ये एक आर्टिकल होता और कह सकते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज होता। तो शाहरुख खान बहुत ही आग बबूला हो गए थे और वो ढूंढ रहे थे कि इस आर्टिकल को जिसने लिखा था वो जर्नलिस्ट कभी मिल जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके कुछ ही महीनों बाद एक फिल्मी पार्टी ने के जर्नलिस्ट को उन्होंने देखा और एक शख्स ने कहा वो जो आर्टिकल था ना जिसको तुमने पढ़ा था वो आर्टिकल इसी आदमी ने लिखा था। बस और क्या, आग में घी का काम कर गया और शाहरुख खान उस इंसान के पास गए और कहने लगे कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख तेरा मैं क्या हल करता हूँ। वो जर्नलिस्ट भी कुछ समझ नहीं पाए कि किस बारे में वो बात कह रहे थे। तो इसके दूसरे दिन ही उस जर्नलिस्ट के घर में शाहरुख खान के फोन जाता है और शाहरुख खान फोन में धमकाता है कि मैं तेरे घर में घुसकर तेरे घर वालों के सामने तुझे पीटूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने क्या ये अनाप शनाप लिख दिया। तो वो जर्नलिस्ट भी डर गए और ऐसे कॉल्स बार बार आने लगे थे और एक दिन अचानक शाहरुख खान उसके घर में पहुंच भी गए थे और उनके पेरेंट्स के सामने यानी माँ बाप के सामने ही उस जर्नलिस्ट को बहुत धमकाया, गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। तो वो जर्नलिस्ट डर कर सीधा गए बांद्रा पुलिस स्टेशन में और शाहरुख खान के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कर दिया और बांद्रा पुलिस ने शाहरुख खान को बुलाया मगर बस उसे वार्निंग देके छोड़ दिया था क्योंकि शाहरुख खान एक स्टार थे, ऐसे ही शाहरुख खान को जैसे स्टार को जेल में बंद नहीं किया जा सकता। मगर शाहरुख खान कौन से डरने वाले इंसान है। वो बाहर आते उस जर्नलिस्ट को फोन किया कि तूने मेरे नाम पे कंप्लेंट किया, अब देख तेरा मैं क्या हल करता हूँ। फिर से शाहरुख खान उस जर्नलिस्ट के पीछे लग गए, उसे फिर से कॉल करने लगे और फिर से धमकाने लगे कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब वो जर्नलिस्ट पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग करने लगे क्योंकि शाहरुख खान से उसके काफी वो डर गए थे कि चाहे शाहरुख खान उसके साथ कुछ भी कर सकता है। फिर से वो शाहरुख खान के खिलाफ कॉम्प्लेंट कर दिया। अब ये दूसरी कॉम्प्लेंट था जो शाहरुख खान के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में हुआ था। तो शाहरुख खान के खिलाफ इस कॉम्प्लेंट के बाद पुलिस हरकत में आई और शाहरुख खान को फिल्म सिटी से अरेस्ट करके ले आए बांद्रा पुलिस में, मगर उसे जेल में नहीं रखा गया। मगर हाँ, पुलिस स्टेशन में शाहरुख खान को बिठाया गया और रात भर तक उनको शाहरुख खान को पुलिस स्टेशन में बिठाया गया और शाहरुख खान को कहा गया कि अगर कोई किसी जमींदार अगर तुम्हारे लिए बेल लेकर आ सकता है तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, वरना तुम देख लो। तो शाहरुख खान ने फोन करने की मांग की और पुलिस वालों ने उसे फोन करने दिया मगर ये फोन किसी वकील या किसी दोस्त को नहीं था। शाहरुख खान ने सीधा उसी जर्नलिस्ट के घर में फोन किया और उसे कहा कि तूने मेरे बारे में फिर से कंप्लेंट किया, अब यहाँ से छूटकर मैं सीधा तेरे पास ही आ रहा हूँ। तो ये सब बातें जब हो रही थी तो पुलिस वाले भी सकते में आ गए। वो फिर से शाहरुख खान को कहने लगे कि आपकी जमींदार अगर कोई है तो उसे बुला लीजिए क्योंकि रात का वक्त है, अब आपको जेल में हमको रखना पड़ेगा।
तो शाहरुख खान ने तभी चंकी पांडे को फोन किया। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान 90s से ही जब बॉम्बे में आए थे, चंकी पांडे शाहरुख खान की बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और आज भी चंकी पांडे के साथ शाहरुख खान की बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती है। तो शाहरुख खान ने सीधा अपने दोस्त चंकी पांडे को फोन किया। तब रात के 11:30 बज चुके थे, तो चंकी पांडे पूरी बात को सुनकर सीधा बांद्रा पुलिस स्टेशन में आए और शाहरुख खान की बेल करवाई और शाहरुख खान की बॉन्ड में ये लिख कर भी दिया है कि शाहरुख खान आगे चलकर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। तो इस प्रॉमिस के साथ शाहरुख खान को वो जेल से बाहर निकाल के ले आए। और इसके बाद करीब 2 साल गुजर गए थे और उसके बाद अचानक शाहरुख खान को पता चला कि इस जर्नलिस्ट के बारे में वो सोचते थे कि इसने ही वो आर्टिकल लिखा था, असल में ये आर्टिकल उसने नहीं लिखा था, ये आर्टिकल किसी और ने लिखा था। तो ये सोचकर शाहरुख खान इमोशनल हो गए, वो खुद वो जर्नलिस्ट के पास गए, उनसे माफी मांगी। इसके बाद शाहरुख खान ने उस जर्नलिस्ट के लिए काफी सारे इंटरव्यूज दिए। ये था शाहरुख खान और एक हीरोइन के साथ बिताई हुई रात का एक किस्सा, जब चंकी पांडे ने आकर शाहरुख खान को जेल के हवा खाने से बचाया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कहानी आपको पसंद आया होगी। ऐसी ही कहानियां और बॉलीवुड की इंफॉर्मेशन को लेकर मैं हमेशा हाजिर होता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त, टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।